सरेनी सोमवार को बिजली के तारों में हुई स्पार्किंग से खेतों में खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने सूचना फायर ब्रिगेड को दिया। फायर ब्रिगेड पहुंचने पर ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। लगभग 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी थी। सरेनी थाना क्षेत्र के कहीजर गाँव की घटना है। हम आपको बताएं कि सूत्रों के हिसाब से किसान श्याम प्रताप सिंह के खेत में 8 बीघा, अवधेश प्रताप सिंह के खेत में 6 बीघा, अनिरुद्ध के खेत में 3 बीघा, 1 बीघा भोले कुमार और 2 बीघा धीरज कुशवाहा की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। सुबह 11 बजे के समय तेज हवा से खेत के ऊपर से निकले हुए बिजली के तारों में टकराव के कारण चिंगारी निकलने लगी। तारों से निकलने वाली चिंगारी देखते देखते गेहूं की फसल भयावह रूप से आग के हवाले हो गई। खेत में उठती लपेटे देख आसपास के किसान शोर मचाते हुए पानी का इंतजाम कर आग बुझाने में जुट गए। किसानों को शंका थी कि कहीं आग ने और विकराल रूप ले लिया तो उनकी फसलों को भी नुकसान होगा। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम और गांव के लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। S7 की डेस्क रिपोर्ट।